भाइयों की जिम्मेवारी मुझ पर है। मैं बड़ा हूं मां, आज कौन सा कर्तव्य पहले करूं? मेरे आत्मा की पुकार है दक्षिणेश्वर चला जाओ, और यदि यहां रहा तो भी सुखी नहीं रह सकता मां, सुखी नहीं रह सकता। कब से बुला रहा था माँ, डटकर खाना खाया वहाँ। अभी अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बस पानी चाहिए था। उड़ी बाबा, आमी तो जौल आनते ही भूले गए छी, अभी लाती हूँ बेटा। माँ, माँ जॉन, माँ माँ बैठो माँ। ये खाना तुम्हारे लिए था माँ, और बस इतना ही। यही मुझे दे देती तो उपवास हो जाता तुम्हें। हाँ नरेन, कब से घर का अनाज खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं है। जो थोड़ा सा था वही परोस कर लाई हूं, किंतु किंतु तुम ही चिंता करो ना बेटा, तुम ही चिंता करो ना। कोई ना कोई आता है, कुछ ना कुछ दे जाता है। भूपेन मोहन अभी छोटे हैं ना, लेकिन तुम ही चिंता करो ना, तुम ही चिंता करो ना। माँ, माँ मैं एक बात कहना चाहता हूं। बोलो बाछा, तुम्हारा बात कभी गलत नहीं हो सकता। माँ मैं अत्यवस्थ ठाकुर जी की सेवा में जा रहा हूं, अब बस वही रहूंगा। माँ क्या हुआ? माँ किछु ना, पानी लोटा में था, संकीर्ण था, अब विस्तारित हो गया है। मैं समझा नहीं माँ। लोटा का पानी गिरने से अब सख्त भूमि कोमल बनेगी। बेटा नरेन, किसी का कुछ छूट जाता है तो वह दूसरे को मिलता है। आज एक बहती धारा सागर की ओर जा रही है, प्रकाश मार्ग की ओर तुम जा रहे हो। जाओ बेटा जाओ, स्वस्थ मन से जाओ, ठाकुर जी की सेवा करो। सच माँ, सच कह रही हो। Thank you.
चल। वो नहीं आया? कौन ठाकुर जी? जब से आपको काशीपुर उद्यान गृह में लाया गया है तब से वो नहीं आया। राखाल, किसकी बात कर रहे हैं ठाकुर जी? अरे बापू राम, राखाल वे नोरेन की बात कर रहे हैं। लेकिन वो आएगा, निश्चित आएगा, प्रतीक्षा कर रहा हूं। आप विश्राम कीजिए, आपको बोलने में कष्ट हो रहा है। बस अब ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, केवल केवल उसे देखना चाहता हूं। हाँ ठाकुर जी, नोरेन माँ, माँ। कैसी हालत बना रखी है आपने? काफी थक चुके हो आप ठाकुर जी। तू नहीं था ना नोरेन, इसलिए। चल राखाल बाबूराम, इनकी दवाई के लिए जड़ी बूटी लानी है। नोरेन अब तू यही रहेगा ना बेटा? माता जी अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। मैं घर नौकरी सब छोड़कर यहां आया हूं, अब कहीं नहीं जाऊंगा ठाकुर जी। तू मुझे पकड़ कर रखेगा तो मैं रहूंगा नरेन, ऐसा तुम्हें लगता है। लेकिन अब मेरा अंत समय मुझे दिखाई दे रहा है, बस तुम्हारी प्रतीक्षा थी। ये आप क्या कह रहे हो ठाकुर जी? मैं पिछले 4 साल से लगातार यहां आ रहा हूं, कभी आप इतने उदास नहीं दिखे। उदास नहीं हो नरेन, मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। तुम्हारे आने से मेरे जीवन का अर्थ पूर्ण हो गया। ये आप क्या कह रहे हो ठाकुर जी? नरेन तुमने स्वयं को जाना नहीं, पहचाना नहीं। विवेक और विरागी वृत्ति तुम्हारी असली पहचान है। क्या हुआ? कुछ नहीं। ऐसा लगता है कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है। ठाकुर जी वो दिन कब आएगा जब मेरे देशवासी मुट्ठी भर अनाज के लिए नहीं तरसेंगे? तुम्हारा आकाश विशाल हो रहा है नरेन। मैं समझा नहीं। कल तुम अपने परिवार के लिए चिंतित थे, आज अपने देशवासियों के लिए चिंतित हो, कल तुम्हें सारा संसार अपना लगने लगेगा। अच्छा बताओ तो, क्या भाव आता है तुम्हारे मन में अपने इन देशवासियों के लिए? उनके लिए तो बस दया का भाव आता है मन में। भाग जाओ, निकल जाओ यहां से, अपनी शक्ल मत दिखा। तुम हो क्या जो दया करोगे? ईश्वर बन गए हो क्या? नोरेन, नोरेन तुम दया नहीं, सेवा करोगे अपने इन देशवासियों की। तू जानता नहीं लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है। शिव भाव से जीव सेवा। ठाकुर जी मैंने आपके स्पर्श मात्र से ईश्वर दर्शन किया है, लेकिन अभी तक सत्य का दर्शन नहीं हुआ। जो अनुभूति आपने साधना से प्राप्त की है वो साधना मैं करना चाहता हूं ठाकुर जी। क्यों, क्यों साधना करना चाहते हो नरेन? ठाकुर जी मैं केवल एक बार निर्विकल्प समाधि की अनुभूति लेना चाहता हूं। मैं सत्य स्वरूप जानना चाहता हूं ईश्वर का। धिक्कार, धिक्कार, मैं तुम्हारा धिक्कार करता हूं नरेन। समाज के आनंद की बजाय
स्वयं के आनंद में खो जाना चाहते हो? कितना बड़ा है तुम्हारा कार्य और अधिकार, और तुम्हारे मुख से समाधि की भाषा, क्या मेरा दर्शन झूठा हो जाएगा नोरेन? मैं चाहता हूं तुम बरगद का विशाल वृक्ष, जिसकी शाखाओं पर सहस्त्र सहस्त्र चिड़िया शांति से रहेगी, जिसके आश्रय में लाखों करोड़ों लोगों को सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। वचन दो नरेन, इसके बाद स्वयं के मोक्ष और आनंद की अभिलाषा नहीं करोगे? सुख और आनंद दूसरों के मुख पर देखो नोरेन। आ बैठ, बैठ मेरे पास। तू नोरेन है, तू सब कुछ कर लेगा। मेरा आशीर्वाद है तुझे, तू युगनायक बनेगा, तू युगनायक बनेगा। जी ठाकुर जी, आपका एक एक शब्द मेरे लिए पंचप्राण है, लेकिन केवल एक बार निर्विकल्प समाधि की अनुभूति लेना चाहता हूं। कल्याण मस्तु नरे, कल्याण मुझे पूछा है। मैं कुछ समझा नहीं पा रहा।
मेरा कोई घर नहीं है दादा, आप रिक्शा मांग कर करता हूँ, लेकिन इतनी रात के समय किसी के घर जाओगे तो। अभी जी, मैंने अपना खाना बना लिया, मैं आपको सूखा आटा दूँ, दाल देता हूँ, लकड़ियाँ भी देता हूँ, आप पानी लेके आइए, अपना खाना बना लीजिए। तो ऐसा बोलते बोलते अब थक चुके हूँ दादा जी। क्या आप मुझे अपनी रोटी दोगे जी? मैं तो आपको खिलाने के लिए तब से आतुर हूँ, लेकिन मैं कैसे खिला सकता हूँ, मैं मोची हूँ। नहीं दादा नहीं, आप केवल मोची नहीं हो, आप हो सर्व मनुष्य, भारत की आत्मा, भारत का सौजन्य और आतिथ्य, भारत देश आप जैसे लोगों की ही पहचान है दादा। कुछ समझा नहीं स्वामी, सरल स्वभाव के, उदार हृदय के और अच्छे इंसान हुआ। मुझे मेरे सामने प्रत्यक्ष ईश्वर दिखाई दे रहे हैं, मेरे गुरुदेव ने ठीक ही कहा था। समझा नहीं स्वामी। दादा आपने जो रोटियां अपने लिए बनाई है वही मुझे दी है, मैं अवश्य खाऊंगा। सच? हाँ दादा सच ही तो कहता हूँ, अभी देता हूँ। आइए 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 स्वामी जी, आइए जैसा आप उचित समझे। प्रणाम।